नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एनपीकेएस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। भिंड से बड़ी खबर है, युवक के साथ बेरहमी से मारपीट हुई है, वीडियो अब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। 5 लोगों ने लाठी डंडों और लात घूसों बेल्ट से जमकर पिटाई की है। वीडियो 7 दिन पुराना बताया जा रहा है। अमायन थाना इलाके के मेहरा गांव की घटना आपको बता रहे हैं। युवक के साथ बहरहमी से पिटाई की गई है, वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाठी डंडों लात घूसों बेल्ट से जमकर पिटाई युवक की गई है। मेहरा गांव की घटना है, युवक के साथ बहरहमी से मारपीट की गई है। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक के साथ बहरहमी से मारपीट की जा रही है, वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ युवक एक युवक को बहरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रवि रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि रमन, युवक के साथ बहरहमी से पिटाई हो रही है, आखिर क्या है पूरा मामला? ऋतु, मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो लगभग 7 दिन पुराना बताया जा रहा है। और ये वीडियो बताया जा रहा है कि दतिया जिले का है, जहां पर जो सिंध नदी का बहड़ है वहां पर ये युवक ले गए थे। चूंकि बता दें आपको, ये अहमदाबाद में नौकरी करता है जिसकी पिटाई हो रही है युवक की। ये अहमदाबाद से नौकरी करके जब वापस लौट रहा था अपने घर, अमायन का रहने वाला है, अमायन थाना अंतर्गत मेहरा गाँव का रहने वाला है युवक। जब अपने घर जा रहा था तो बीच रास्ते में जो हमलावर जो है, आरोपी जो है, उन्होंने रोक कर उसे अपनी बाइक, उसने अपनी कार में बैठा कर बहड़ में ले गए। और यहाँ पर इसके साथ लगभग 5 लोगों ने मारपीट की, और मारपीट इतनी जमकर की और उनका वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अभी ये वीडियो सामने आया है और ये युवक जो फरियादी युवक है, अभी तक इसकी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। तो हालांकि अब ये अमायन थाना पहुंच गया है, जहां पर पुलिस इसकी पूरी पूछताछ कर रही है, पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है और कार्रवाई करने की बात भी कह रही है। जी ऋतु जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं अभी। आप जैसा कि जिक्र कर रहे हैं कि किसी भी तरह की FIR नहीं हुई है इस मामले में, क्या वीडियो आने के बाद कोई पूछताछ हो पाई है कि आखिर क्या विवाद था जिस वजह से उसके साथ मारपीट हो रही है? प्रथम दृष्टया ऋतु, ये दहशत फैलाने के मकसद से ये मारपीट की गई है युवक की। और कुछ लोग बता रहे हैं कि इसका कुछ पुराना विवाद भी है, गाँव के कुछ लोगों से इसका पुराना विवाद भी हुआ था, जिस विवाद के बाद ये बाहर निकल गया था। जब वो वापस लौटा तो फिर घात लगाए बैठे थे और इसको पहले अपने बंधक बनाया, उसके साथ मारपीट जमकर की है बेल्ट डंडों और। ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करेंगे। सरकारी टीम और अतिक्रमणकारियों में विवाद हुआ। परिहार के धिरौली गांव में विवाद हुआ। नरेश यादव पर सरकारी हेडपंप पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है। कब्जा हटाने पहुंची SDM और PHU टीम से बहस की है। विवाद में SDM ने कब्जाधारी पर हाथ उठाया है, कब्जाधारियों को पुलिस के हवाले भी किया गया। PHU के अधिकारी अनमोल कोछर ने कब्जाधारियों की शिकायत की। आरोपी नरेश यादव समेत 3 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। परिहार थाने के अरमधा धिरौली गांव की यह घटना। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या है पूरा मामला? देखिए, कल पूरा घटनाक्रम कल का है, जब यहाँ पनियार थाना क्षेत्र के धिरौली गांव में अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची थी, जिसमें भीतरवार SDM भी थे, इसके अलावा PHU की टीम थी। जो यहाँ गांव में शिकायत मिली थी कि एक जो सरकारी हैंडपंप है उस पर गांव के ही एक शख्स ने कब्जा कर रखा है। जब टीम वहां पहुंचकर उस कब्जे को हटाने की कोशिश कर रही थी, उसी दौरान जो कब्जाधारी नरेश यादव, उसके परिवार और जो प्रशासन की टीम थी जिसमें SDM भी है, उनके बीच बहस हुई और बात इतनी बढ़ गई कि फिर SDM ने एक जो परिवार का युवक था उसको थप्पड़ मार दिया, पुलिस के हवाले कर दिया। और उसके बाद इसी मामले में जो SDO PHU विभाग के, उनकी तरफ से एक FIR दर्ज कराई गई है। कब्जाधारी जो थे हैंडपंप पर जिनने कब्जा कर रखा था, उनमें नरेश यादव और 2 अन्य के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और गाली गलौज करने का मामला पनियार थाने में दर्ज कराया है। पुलिस इस मामले में अगली कार्रवाई कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं SDM लेवल के अफसर द्वारा जिस तरह से थप्पड़ मारा गया है,
उसको लेकर भी जो है कहीं ना कहीं सुर्खियों में ये पूरा घटनाक्रम आया है कि इस तरह से एक अफसर ने गुस्से में किस तरह से यहाँ पर थप्पड़ भी मारा है और टीम जो है उसको एक व्यक्ति को पुलिस के हवाले करवा दिया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। मोराना से बड़ी खबर की बात करेंगे। पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला किया। राजीनामा न करने से एक पक्ष दूसरे पक्ष से नाराज था। पिता पुत्र को घर से खींचकर बाहर निकाला। लात घूंसों से मारपीट कर जमकर पथराव किया। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। घटना का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने चार लोगों पर मामला दर्ज किया। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के उत्तमपुरा की घटना आपको बता रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। फिर से लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। 30 मई को युवती की शादी होनी थी। मुस्लिम युवक पर बरगला कर लिए जाने के आरोप लग रहे हैं। परिजनों का आरोप है मुस्लिम युवक एक साल से ब्लैकमेल कर रहा था। परिवार ने सांसद प्रज्ञा और पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। युवक जो है आदतन आरोपी बताया जा रहा है। युवक पर इससे पहले भी अन्य युवती के साथ रेप का आरोप लग चुका है। रिया सराटे जो कि एक लव जिहाद का शिकार हुई है। मुस्लिम लड़का यूसुफ खान मेरी लड़की को 11 मई दिन में भगाकर ले गया, जिसकी मैंने एफआईआर कराई तो मेरी लड़की का माइंड वॉश कर दिया गया है, जिसके कारण वे थाने में बुरका पहनकर आ गई। उस यूसुफ खान ने मेरी लड़की का धर्म परिवर्तन कर दिया। मेरी लड़की उसके बाद मेरे साथ सुप्रत कर दिया गया। उसके बाद मेरी लड़की पर दबाव बनाया गया के बाद मेरी लड़की को 15 मई को यूसुफ खान अपने साथ है ना, उसने ऐसा दबाव बनाया कि मेरी लड़की से घर से 70,000 रुपए कैश और सोने चांदी की रकम चोरी करवाई और यूसुफ खान मेरी लड़की को लेकर भाग गया, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। मैंने थाने में एफआईआर दर्ज कराई तो मुझे कहा गया कि तुम घर जाओ, मैं तुम्हारी लड़की बालिक है। फिर थाने में हंगामा किया गया तो मुझे कहा गया कि 12 घंटे में आपकी लड़की आपको मिल जाएगी और मैंने अभी तक 6 बार सीएम हेल्पलाइन में मदद मांगी, लेकिन मेरी लड़की की कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे मेरी लड़की वापस चाहिए। मेरी लड़की हिंदू थी और हिंदू ही रहेगी। माइंड वॉश कर लड़की को लव जिहाद का शिकार बनाया गया। कृपया मेरी मदद कर। भोपाल में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है और एक घर की खुशियां बिखरती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीर, ये शादी की और सगाई की वो तैयारियां हैं जिनमें एक युवती की सगाई की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, मगर उसके पहले ही एक यूसुफ नाम का जो युवक है वो उसे बरगलाकर अपने साथ लेकर चला गया। यूसुफ आदतन अपराधी है, कमला नगर क्षेत्र का आदतन अपराधी है। उसने जो है एक नर्सिंग की छात्रा को अपने प्यार में फंसाया और उसे बरगलाया और जो है उसके बाद उसे लेकर यहाँ से भाग गया है। परिवार वालों का आरोप है कि वो जो है अपनी जो बहन है उनको वापस बुलाने के लिए अब सरकार से अपील कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर बड़ा आरोप यह है कि पुलिस के पास जब ये परिवार गया तो पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और लव जिहाद का मामला भी दर्ज नहीं किया। साथ ही गुमशुदगी में मामूली सी एफआईआर दर्ज कर उन्हें वहाँ से रफा दफा कर दिया। हम पीड़ित परिवार से बात करते हैं, क्या हुआ, कब की घटना है? सर ये 15 तारीख की घटना है जब बहन घर से चली गई थी। उसके बाद सर हमने 2-3 दिन ढूंढने की कोशिश करी, फिर सर हम थाने गए तो थाने में जाके हमें ये खबर मिलती कि लड़की बालिग है, वो जा सकती है, अपना निर्णय ले सकती है। हमने बोला नहीं सर आप हमारी सहायता कीजिए, तब भी सर उनने कोई सहायता नहीं करी। उसके बाद सर हमने आरएसएस बजरंग दल वालों का सपोर्ट लिया, थाने में गए, जब जाके सर उनने एक सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करी। कौन है आरोपी, क्या नाम है और उस पर पहले भी मामले दर्ज है? जी सर, आरोपी का नाम है यूसुफ खान सर। उसके ऊपर पहले से कमला नगर थाने में 5-6 केस दर्ज हैं और सर वो जिला बदल भी है। जो है युवती को कब लेगा और बताया जा रहा है कि उसने मुस्लिम जो है धर्म अभी बनाने के दौरान? जी सर, उसके ऊपर सर मुस्लिम धर्म अपनाने का सर जबरदस्ती की जा रही है मेरी बहन के साथ कि वो मुस्लिम धर्म को अपना ले। बुर्का भी पहनाया गया? जी सर, उसको। और सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है, परशुराम की जयंती पर अवकाश रहेगा, जनापाव का मंदिर भव्य बनेगा।
संस्कृत के छात्रों को 8 से 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। पाठ्य पुस्तकों में परशुराम की जीवन गाथा पढ़ाई जाएगी। पुजारियों को 5 हजार पूजा सामग्री के लिए दिए जाएंगे। मंदिर के जमीन कलेक्टर नीलाम नहीं करेगा, पुजारी को इसका हक होगा। ब्राह्मण कल्याण के लिए बोर्ड पर विचार होगा। शिक्षा व्यवस्था के लिए छात्रावास के लिए भोपाल में जमीन दी जाएगी। प्रतिभावान छात्रों की पढ़ाई का खर्च देगी सरकार। प्रदेश में लव चलेगा लेकिन जिहाद नहीं चलने दिया जाएगा। लव जिहाद पर सीएम शिवराज का प्रहार, कहा प्रदेश में लव चलेगा लेकिन जिहाद नहीं चलने देंगे। भगवान परशुराम जी की जयंती हमने पिछले साल भी मनाई थी, इस साल भी मनाई, पर हमने तय किया भगवान परशुराम जयंती के दिन शासकीय अवकाश रहेगा ताकि पूरे श्रद्धाभाव हम भगवान परशुराम की जयंती मना सके। जितने संस्कृत के छात्रावासी विद्यार्थी हैं उनको 1 से 5 तक को 8 हजार रुपया और 6 से 12 तक को 10 हजार रुपया उस काम के लिए प्रदान किया जाएगा ताकि हमारा ये संस्कार लगातार बना रहे। हमने पहले ये तय कर लिया कि सभी पाठ्य पुस्तकों में भगवान परशुराम जी की पूरी की पूरी जीवन गाथा पढ़ाई जाएगी। ज्ञान की जो विद्यार्थी इंटेलिजेंट है, तेज है पढ़ने में लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसके लिए छात्रावास इत्यादि के लिए भोपाल में उपलब्धता के आधार पर आपका जो भी आप व्यवस्था बनाएंगे समाज का कुछ ट्रस्ट या बाकी। मध्य प्रदेश में लव तो चल सकता है लेकिन जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। इस तरह की हरकत करने वाले पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। ऐसी चीजें हम मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होने देंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, इतनी सख्ती के बावजूद भी लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक और मामला सामने आया है, युवती की शादी होनी थी उससे पहले ही बरगला कर युवक उसे अपने साथ ले गया। कई तरह के संगीन आरोप घरवाले युवती के घरवाले लगा रहे हैं। क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए भोपाल में ये नया मामला निकलकर सामने आया है जिसमें परिवार जनों ने थाने में शिकायत की और इस बात को लेकर शिकायत है कि जब युवती की शादी होनी थी उसी समय यूसुफ खान नाम के युवक ने बहला फुसलाकर युवती को ले गया और सबसे बड़ी बात है कि उस युवती का शादी करने की बात निकल कर आ रही है और उसको जबरन धर्मांतरण का भी आरोप लगाया जा रहा है। तो परिवार जनों ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की और अब पुलिस उसी एंगल से इस पूरे मामले की पड़ताल करने में जुट गई है। हालांकि शुरुआती तौर पर जब परिवार जनों ने इस मामले को लेकर शिकायत की थी तब इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन जब दबाव बढ़ा और जब पूरा का पूरा मामला सामने आया उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज की गई और पुलिस अब लव जिहाद के एंगल से इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बार फिर साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में लव तो चल सकता है लेकिन लव के नाम पर यदि कोई जिहाद की करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जहां भी इस तरीके के मामले निकल कर आ रहे हैं वहां पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और भोपाल का जो नया ताजा मामला है उसको लेकर भी अब इस बात को लेकर पड़ताल की जा रही है कि क्या किसी दबाव के चलते धर्मांतरण करवाने की कोशिश की गई है। इन तमाम पहलुओं को लेकर भी अब पुलिस जांच करेगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटूंगी अगली खबर पर जानकारी लेने के लिए। गुजरात के वडोदरा से बड़ी खबर है, दिव्य दरबार में बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान दिया है, राष्ट्र के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करूंगा, दरबार तो बहाना है, भक्तों को जगाने का काम है। बाबा बागेश्वर ने दिए सनातन के 3 मंत्र, घर के बाहर झंडा लगाएं, तिलक करें, मंगलवार को बच्चों को मंदिर ले जाएं। लव जिहाद में बहन बेटियों को फंसाया जाता है, विवादास्पद नहीं बल्कि वास्तविक बात कर रहा हूं, भारत में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा।
बहन बेटियों को लवजात के चक्कर में फंसाकर हमारी बोली वाली बहनों को ले जाते हैं और उसकी बोलियां लगती हैं, ऊपर से उनको फंड मिलते हैं। जिस कास्ट की बहन, जिस लेवल की बहन, जिस संपन्न परिवार की बहन, उतने लाख रुपए उनको मिलते हैं लवजात के नाम पर। अब बहुत हो गया, लोग हमसे कहते कि आप विवादित बातें बोलते हो। हम विवादित बातें नहीं बोलते, हमें सनातन हिंदुओं का दर्द पता है। हम देख रहे हैं कि आने वाले 10 साल में, लोग कहते हैं आपके पास शक्ति है, इसी कारण से तो हम बोल रहे हैं कि आने वाले 10 साल में राम की कथा बंद हो जाएगी, मंदिर जाना बंद हो जाएगा, हमारी बहनों का घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। इसलिए अब भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा, नहीं तो अपना बोरिया वस्त्र बांधो जाओ। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर है। 10 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। 4 दिन का ये मानसून सत्र होने वाला है। 10 से 14 जुलाई तक मानसून सत्र रहेगा। जल्द विधानसभा जारी करेगा मानसून सत्र की अधिसूचना। तो मध्य प्रदेश में मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, मानसून सत्र की शुरुआत होगी, 4 दिन का यह सत्र रहेगा, कितना खास रहेगा? बिल्कुल, देखिए छोटा सत्र रखने की तैयारी है। मानसून सत्र बेहद महत्वपूर्ण होगा। अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके तहत 10 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक का ये मानसून सत्र होगा और इसमें कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र की अवधि जरूर छोटी रखी गई है, लेकिन मुद्दे इस बार के मानसून सत्र में गर्म होंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले का ये मानसून सत्र होगा, आखिरी मानसून सत्र होगा। ऐसे में इस मानसून सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। अभी से पक्ष और विपक्ष के द्वारा रणनीति बनना शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक इस सत्र को लेकर विधानसभा की तरफ से अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी लगी है कि कल तक विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। 22 जून को दुर्ग आएंगे अमित शाह, आम सभा को संबोधित करेंगे। दुर्ग में आम सभा में शामिल होंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आम सभा का आयोजन रखा गया है। दुर्ग लोकसभा समेत पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे भी ने ये जानकारी दी है। यहाँ दुर्ग लोकसभा में 22 तारीख को अमित शाह जी की बड़ी आम सभा होने जा रही है, ये आप लोगों को पहले मैं बता रहा हूँ। और दुर्ग में व्यापारियों का सम्मेलन है 14 तारीख को। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो कार्यक्रम हैं निचले स्तर पर, और घर घर जो है बाद में कार्यकर्ता जाएंगे, जिसमें 9 साल की मोदी जी की सरकार, 15 साल की हमारी उपलब्धि और 4.5 साल की यहाँ की जो विफलता है उसको लेकर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, दुर्ग का दौरा है केंद्रीय मंत्री अमित शाह का, कितना खास ये दौरा रहेगा? देखिये, चुनावी वर्ष है और इस बीच जो बीजेपी है 30 मई से 30 जून तक विशेष अभियान चला रही है। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने को लेकर के पूरे राज्य भर में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में आयोजन किए जा रहे हैं। 3 क्लस्टरों में बांटा गया है और दो दो केंद्रीय मंत्री लगातार इन क्लस्टरों पर दौरा करेंगे और जो राज्य सरकार की 4 साल 4.5 साल की विफलता है उसे गिनाएंगे, केंद्र सरकार की जो सफलता है उसे जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 22 तारीख को दुर्ग पर एक महती आम सभा का आयोजन किया जाएगा और अभी से तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। और जिस तरह से जो केंद्र सरकार की उपलब्धि है, राज्य सरकार की जो अव्यवस्थाएं हैं उसे उजागर करेंगे, तो ये कहा जा सकता है कि चुनावी वर्ष होने के चलते ये काफी महत्वपूर्ण है। और जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह आ रहे हैं तो इसके कई मायने भी और हैं और यहाँ पर बीजेपी को मजबूती प्रदान भी यहाँ पर की जाएगी। और जिस तरह से सभी जो आला जो नेता हैं छत्तीसगढ़ के वो उसकी तैयारी पर जुटे हुए हैं। जब दुर्ग में एक महती सभा का आयोजन होगा और सभा को केंद्रीय मंत्री अमित शाह वो संबोधित करेंगे, व्यापारियों को लेकर के एक बड़ी जो सभा है वो वहां पर होगी और उसकी तैयारी पूरी तरीके से जो दुर्ग में की जा रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही है।